आओ महापुरुष, तुम महादेव हो, तुम्हारे शंकर जी कैसे हैं? नजदीक बैठो, हम कौन मार रहे थे, बैठो। कहाँ रहते हो? माइक ले, माइक ले। कहाँ पड़ता है ये? ये पास में ही है। पास में ही है, यहीं खेजड़िया के पास। राम आप जैसे पूछेंगे वैसे आपको प्रतिउत्तर प्राप्त होंगे। आप अगर गालियों के नाम पूछेंगे तो गालियां मिलेंगी। हाँ, और यही एक वर्तमान में कलयुग में अद्भुतता का विषय है कि हाउ पॉसिबल। एक दिल्ली का आईआईटी का लड़का आया था धाम पर, अब तो चेला हो गया हमारा, ज्यादा होशियार। बोले हम ऐसा वैसा, हमने विज्ञान पढ़ी, ये पढ़ी। हमने कहा तुमने पढ़ी, हमने ना पढ़ी। वो बोला अच्छा बताओ, हमने मंदिर पर तुम्हें कौन कौन सी गालियां दी, ऐसे ही बोला। हमने कहा यार हमने चुनौती बहुत स्वीकार की, बहुत हमने जवाब दिए, अब हम इन सबसे बहुत परेशान हो गए, अब हम जवाब नहीं देते, तुमसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता। अरे बोले नहीं 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 बता नहीं पा रहे, बताओ बताओ बताओ। वह भी भरोसा ना तो गए, ऐसा भी हो सकता। हमने लिखो पर्चा, हमने दो गाली एक्स्ट्रा लिखी और नीचे लिखी सेम टू यू। हमने कहा बेटा तुमने जे जे गालियां दी और ये दो हमारी तरफ से ब्याज में लियो और सेम टू यू। उसे भी भरोसा। अब उस दिन के बाद वो हमारा पक्का चेला हो गया बालाजी का। आओ नजदीक बोलो क्या बात है। हमने तो जान लिया, हमें जो प्रेरणा लगी हमने लिख लिया, हमारी हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, उनकी सामर्थ्यता है। बोलो जल्दी बोलना। परिवार की समस्या गुरु। क्या हो गया? इधर थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि पढ़ सको। क्या हो गया? कुछ काम नहीं है जी। एक दो बातें और, खुश मतलब परिवार खुश नहीं रह पाता गुरु जी, प्रतिदिन कुछ ना कुछ समस्या आती जाती है। एक एक मेरे साथ, सिस्टर के साथ, छोटे भाई के साथ। अपने बंधन तो बहुत करवाए, उपाय भी बहुत किए, भक्ति भी बहुत कर रहे, परिणाम जीरो निकल रहा है। हमने ऐसी तीन बातें लिखी, भक्ति बनी रहे, बुरे विचार बंद हो, घर में उपद्रव बहुत मचा हुआ है, एक ना एक को पकड़ रहा है, वह गंदी हरकतें हो जाती हैं, दिमाग जकड़ लेता है, काम सफल नहीं हो रहे हैं, ना कोई कार्य रोजगार प्राप्त हो रहा है, आर्थिक तंगी व लोगों की अवहेलना से वर्तमान में जूझ रहे हैं, 2015 से सभी प्रकार से ग्रसित हैं, रास्ता जानने आए, कारण पितृ दोष है, उनका उपाय कराएं तो 2023 के 9वें महीने में ही सभी रास्ते खुलेंगे, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम। तुम्हारा भी एक प्रश्न है, क्या पाना चाहते हो? बोलो बिना माइक के बोलो। हम बंद कर दें? हम अपना बंद कर दें?
जय सियार। बोलो माइक से, सही क्या गलत? सही है गुरु। जा आ सुन साधु जी। जय ये दाहिने हाथ में बाएं हाथ में आगे बैठी हैं बहन जी, आ जाइए जाली के जस्ट पीछे। हाँ हाँ, जिन्होंने अभी हाथ खड़ा किया, लाल दुपट्टा सजा जी जी। बहन दोनों को आने देना, लाल दुपट्टा वाली वो जो बहन जी खड़ी भाई, इन दोनों को। हाँ भाई माइक लीजिए। तब प्रभु कहाँ से आए? प्रतापगढ़ से आया, राजस्थान से। आ राजस्थान। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। बाहर पंडाल के एक माताजी खड़ी हैं, कैंसर नामक रोग है, वृद्ध दादी जी आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। इधर आए प्रभु, पहली बार आए हैं, उधर देखो जी। गुरु जी हमने लिख लिया जो हमें बालाजी की गुरु जी की आज्ञा लगी। आप प्रश्न करो, क्या बात है? बस काम धंधा अच्छा चलना चाहिए गुरु जी। काय का काम है प्यारे? ट्रैक्टर का शोरूम है। अच्छा पढ़िए। अच्छा ये क्या लिखा? कार्य नहीं चल रहा आपका, शोरूम है जो उसकी अर्जी लेकर आए हैं, इसी पर कृपा पाने आए हैं, तेज चलेगा शोरूम का काम, जुलाई के महीने से आशीर्वाद है। बोला बागेश्वर धाम सरकार की। बराबर कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। ये मंत्र है। एक प्रश्न और रह गया। ये हमने तुम्हारी डिटेलें भी लिख दी हैं, क्या चाहते हो उससे? कुछ नहीं बस, अच्छा घर परिवार अच्छा रहे, मैं भी अच्छा। पढ़िए आपका आशीर्वाद बाला सर। बीच में गलत संगत में फंस गए थे, ब्लैकमेल हो जाते थे, बहकना नहीं है, सावधान रहें, आशीर्वाद। बागेश्वर सरकार की। थोड़ी सी डिटेल भी हमने लिखी, ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ दो अक्षर लिखे। तुमको लोगों को होता है मलेरिया, तुमको हुआ है लवेरिया। बोलो हाँ या ना। पहले हुआ था, शादी। अब दुनियादारी बिल्कुल नहीं करना। और ये वाली बात है, ये भी सही है, अब तो नहीं करेंगे। ये वाली बात माइक ऊपर कर लो। बिल्कुल सही है गुरु जी। बिल्कुल सही है, अब तो नहीं चलेगा। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छे बच्चे हो, सुधार जाओ, आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद। क्योंकि तुम्हारे ऊपर शत्रु बहुत लगे हैं, तुम्हारे अपने भी बहुत लगे हैं, गिराना चाह रहे, पूरा घर बर्बाद करना चाह, हमने इसको काट दिया है किसी कारण, और परिवार भी तुम्हारा ठीक है, ऐसा नहीं है, भूल है पहले की है, वर्तमान की ऐसी कोई भूल नहीं है, लेकिन हम पे छोड़ो, हम पूरी करेंगे। और तुम्हारा तुम एक दिन ऐसा आएगा कि नाम रोशन होगा, जाओ हमने कह दिया। और दूसरी कंपनी भी तुम्हें मिलने वाली, जा। और इस बार बालाजी ने चाहा, जाओ खूब तेज बिक्री होगी, आशीर्वाद है। लेकिन इनमें कोई गलती ना मिले, भजन बहुत करना है, बालाजी पर भरोसा करना, कर्म करना है, कर्म से ही फल प्राप्त होगा। धाम आना, हम एक कवच दे देंगे, और कोई भी तंत्र टोटका नहीं है, बस विसंगति, गलत लोग जुड़े वो बहका देते हैं, गलत विचार दे देते हैं, तो तुम काम पे ध्यान नहीं दे, ये कारण। तो अब उस पर तुम्हें फोकस करना है, आलस बहुत कम करना है। अब आलसी बहुत हो गए, 1.5 साल हो गया आलस करते करते, अब आलस त्यागो, काम बहुत ज्यादा करो, कर्म पर भरोसा करो, हम कवच देंगे, कोई भी भूत बाधा तंत्र बाधा नहीं है, ना इन चक्करों में तुम्हें पढ़ना है। अखंड ज्योति 5 दिन की बालाजी के नाम की जला देनी, जाओ पिताजी की सुरक्षा रहे, शत्रु शांत रहे, ये परिवार के शत्रु भी मौन हो जावे, और जाओ तुम्हारा एक और नया काम प्रारंभ हो जावे, ये लोग भी पीछे हट जावे, और घर में ये जो एकता नहीं है, ये एकता भी बरकरार बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद है।